नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संकल्प अध्ययन क्लासेस बुलंदशहर में। अब तक हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, पाषाण काल है एवं सिंधु घाटी सभ्यता, इन तीनों से संबंधित क्लासेस ली हैं। और आज हमारी जो क्लास रहेगी ये रहेगी वैदिक सभ्यता। जो वैदिक सभ्यता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य की जो सभ्यता है, वेदों की जो सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है, ग्राम सभ्यता है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले जो हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता को देखा, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता होने के कारण इस सभ्यता का जब पतन हुआ तो उसके महत्वपूर्ण काफ़ी कई कारण बताए जाते हैं, जिसका कारण ये भी माना जाता है कि उन्होंने प्राकृतिक जो वातावरण था, जो प्रकृति था, प्रकृति थी, उसका दोहन किया, तो उस कारण से नदियां सूख गईं और भूकंप आदि वहां पर आने लगे, सूखा पड़ने लगा। और इस प्रकार से भी ये माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका पतन हुआ। एक कारण ये भी माना जाता है कि जब आर्य, क्योंकि ये माना जाता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये द्रविड़ों की सभ्यता थी, और जब आर्य भारत में आए तो भारत में आने पर इन्होंने जो सिंधुवासी थे उनको वहाँ परास्त किया और उनके जो किले आदि महल उनको नष्ट करके उन्होंने वहाँ पर जो सिंधु सभ्यता थी उसको समाप्त किया। तो कहीं ना कहीं आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की सभ्यता है, वैदिक सभ्यता। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता क्या है उसको जानेंगे, और ये जानेंगे कि जो वैदिक सभ्यता है ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है अथवा नगरीय सभ्यता। तो ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता रही है, और आज जो वैदिक सभ्यता है यानी कि आर्यों की सभ्यता है, इस सभ्यता के बारे में जानेंगे। प्रकृति के एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो प्रकृति के समीप रहने वाले लोग थे वे वैदिककालीन लोग थे, जो प्रकृति के निकट थे, आज हम उन्हीं की सभ्यता को पढ़ेंगे। तो वैदिक सभ्यता जो ग्राम सभ्यता मानी जाती है, और इस ग्राम शब्द का सबसे पहले जब उपयोग की बात आती है कि कहाँ पर ये ग्राम शब्द मिलता है, तो ये ऋग्वेद में ग्राम शब्द का उल्लेख होता है। तो वैदिक साहित्य हैं उनमें ग्राम शब्द का उल्लेख होता है। जो आर्य थे उनका मुख्य कार्य क्या था, कृषि और पशुपालन, साथ ही साथ वे आखेट आदि भी किया करते थे, और यज्ञ आदि क्रियाएं भी आर्यों के लिए महत्वपूर्ण थी, वह इनको मानते थे, यज्ञ आदि क्रिया करते थे कि इससे प्राकृतिक वातावरण है वह शुद्ध रहता है। चार वेद हैं आर्यों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जिसमें अधिकतर स्तुतियाँ हैं, इंद्र, सूर्य और अग्नि आदि देवताओं की स्तुतियाँ मिलती हैं ऋग्वेद में सर्वाधिक, और ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमने वैदिक सभ्यता जो ग्राम सभ्यता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की सभ्यता है, जिसमें 1500 से लेकर, क्योंकि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, 1750 ईसा पूर्व तक का जो समय है, ये किसका समय है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का समय है। तो ये समय किसका है, ये समय है सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये समय है, सिंधु घाटी सभ्यता का ये समय है। इसके बाद 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है वह वैदिक समय है। इसको भी दो भागों में बांटा है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। वैदिक संस्कृति या वैदिक जो समय है इसको दो भागों में बांटा है, 1500 से ये 600 ईसा पूर्व तक का इसका समय माना जाता है। इसको ऋग्वेदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति दो भागों में बांटा गया है। तो 1500 से जो ऋग्वेदिक संस्कृति है वह ये है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक की ऋग्वेदिक काल, क्योंकि सबसे पुराना सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद का संकलन किया गया
वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य में संकलन किया गया। अब मैं यहाँ संकलन शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, उसका कारण यह है कि जो वेद हैं उनको अपौरुषेय कहा जाता है कि वह मानव के द्वारा लिखित नहीं है, वह देवताओं के द्वारा लिखित माने जाते हैं। तो वहाँ यहाँ इनका संकलन किया गया है, ये लिखे नहीं गए, इनका संकलन किया गया है क्योंकि ये अपौरुषेय माने जाते हैं वेद। तो ऋग्वेदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य में रही। अब दूसरी जो समय था वह ऋग्वेदिक समय, जिसमें ऋग्वेद के बाद का समय था, जो था उत्तर वैदिक संस्कृति। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय रहा वह उत्तर वैदिक, या उत्तर जो उत्तर वैदिक काल था उस काल से संबंधित रहा। चलिए आगे हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल। देखिए यहां शब्द प्रयोग किया जा रहा उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है, सबसे पहले क्या लिखा गया। तो सबसे पहले वेद लिखे गए, वेदों का संकलन हुआ, सबसे पहले वेदों का संकलन हुआ, और वेदों के संकलन के बाद में उनके बाद उनके ऊपर ब्राह्मण लिखे गए। तो ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण ग्रंथों को भी कहा जाता है। ग्रंथ हैं जो वेदों का एक भाग है, वेदों का गद्य भाग है, ब्राह्मण है, अरण्यक है। इसी प्रकार से ब्राह्मण के बाद उनमें से अरण्यक लिखे गए, और फिर गुरु और शिष्य के मध्य में संवाद के रूप में जो वेदों के बारे में जानकारियां दी गईं, किसी न किसी वेद से संबंधित गुरु और शिष्य के मध्य परम ब्रह्म को जानने के लिए जो संवाद किया गया, उस संवाद का जो लिखित रूप है वह उपनिषद। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, और फिर उसके बाद में उपनिषद, इस प्रकार से ये लिखे गए हैं, इस प्रकार से बने हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ध्यान रखिए, अगर आता है तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है, वेद का अर्थ होता है कि ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान वेदों में निहित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। हम बता चुके हैं सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। चैनल पर आने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत उनका स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही है तो। ऋग्वेद, अब देखिए एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा त्रय, त्रय मतलब तीन, त्रय। अब ऐसे कौन से तीन हैं जिनके लिए प्रयोग किया जा रहा है? तो अथर्ववेद, जो सबसे नवीनतम वेद माना जाता है, अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है। इस अथर्ववेद को छोड़कर बाकी जितने भी तीन वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों को त्रयी कहा जाता है। तो प्रश्न इस प्रकार से भी परीक्षा में बन सकता है कि चार वेद आपको दिए गए हैं, उनमें से पूछा है कि इनमें से त्रयी वेद कौन सा नहीं है, तब वहां कौन सा नहीं होगा, अथर्ववेद। तो यहाँ ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को मिलाकर इन तीनों के लिए एक त्रय शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान, यज्ञ आदि के जो जानकारी मिलती है वह मिलती है यजुर्वेद में। ध्यान रखिए, यज्ञ आदि की जानकारी मिलती है कहां पर, यजुर्वेद में मिलती है। जादू टोने और वशीकरण आदि का जो वर्णन है, जादू टोने, वशीकरण, औषधियों के बारे में भी जो जानकारियां मिलती हैं वह अथर्ववेद से प्राप्त होती हैं। तो वैसे मुख्यतः जादू टोने और ये तंत्र मंत्र जो होते हैं, ये अथर्ववेद में इनके बारे में जानकारी मिलती है, जो सबसे नवीनतम वेद माना जाता है चारों वेदों में। बढ़ते हैं आगे, उपनिषद की हम बात कर रहे थे, अब उपनिषद को हम समझ लेते हैं अच्छे से क्या है, क्योंकि आगे इन शब्दों का बहुत उपयोग होगा, तब आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, आपको यहाँ ये क्लियर होता चलेगा। उपनिषद, देखिये उपनिषद शब्द का जो साधारण अर्थ होता है, समीप उपवेशन या समीप बैठना, और समीप किसके बैठना, परम विद्या की प्राप्ति के लिए, जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है, उसकी प्राप्ति के लिए शिष्य क्या करता है, गुरु के पास बैठता है, गुरु से प्रश्न करता है, और गुरु से प्रश्न इस प्रकार का करता है कि जो उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के प्रति जो उत्तर प्राप्त हो, जिससे उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो, इस प्रकार का प्रश्न शिष्य अपने गुरु से करता है और गुरु उसका उत्तर देता है। तो जब ये गुरु और शिष्य के मध्य का जो संवाद होता है, उस संवाद का जो लिखित रूप है वह क्या है, वह उपनिषद है। तो
हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ हैं, क्योंकि सुनेगा शिष्य जब गुरु से पूछेगा, प्रश्न पूछेगा और गुरु जब उसका उत्तर देंगे तो वह सुनेगा, तो सुनेगा तो कैसा ग्रंथ हो गया, श्रुति, सुनने वाला जो ग्रंथ है वह है। प्रत्येक उपनिषद किसी एक वेद से संबंधित होता है, जो गुरु है अब किसी ना किसी वेद से संबंधित उसको नॉलेज होगी, तो उस नॉलेज को, उस ज्ञान को वह अपने शिष्य को देते हैं। तो उपनिषद जो है शिष्य को किसी वेद के बारे में गुरु अपने शिष्य को बताता है, और जो बताता है वह क्या कहलाता है, वह पूरा ज्ञान जो संवाद है उस वेद से संबंधित वह उपनिषद कहलाएगा, और प्रत्येक उपनिषद किसी ना किसी वेद से संबंधित होगा। यह संस्कृत में है मुख्यतः, और इनकी संख्या 108 बताई जाती है, लेकिन जो प्रमाणिक हैं वो 13 माने जाते हैं, 13 उपनिषद हैं प्रमाणिक, और हर एक उपनिषद किसी ना किसी वेद से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर, परमात्मा, परम ब्रह्म, आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक इसमें वर्णन किया जाता है। किसमें? उपनिषदों में। उपनिषद में ऋषि और शिष्य के बीच बहुत सुंदर और गूढ़ संवाद है, जो उसके पढ़ने वाले को वेद के मर्म तक पहुंचाता है। इनका उद्देश्य क्या होता था? गुरु और शिष्य के मध्य में संवाद हुआ, ताकि जो थर्ड पर्सन है उस संवाद के माध्यम से उस वेद के मर्म को समझ सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरण्यक, आरण्यक, आरण्यक जो है जंगल से संबंधित होता है शब्द, ये शब्द जंगल से संबंधित है। तो जंगल में ये लिखे जाते थे, पहली बात, हिंदू धर्म के ये पवित्रतम और सर्वोच्च ग्रंथ जो वेद हैं उनका गद्य वाला खंड होता है, जो गद्य वाला, जो गद और पद यानी कि श्लोक रूप में भी हैं और गद में भी हैं, लिखित रूप में भी, तो जो गद वाला भाग है वह जो है वह क्या कहा जाएगा, अरण्यक, वेदों का गद वाला भाग। और ये क्या है, वाण्मय का तीसरा हिस्सा माना जाता है, वैदिक वाण्मय का तीसरा हिस्सा माना जाता है अरण्यक को। और वैदिक जो संहिताएं हैं, वैदिक संहिताएं हैं उन पर दिए गए जो भाष्य हैं, उस भाष्य का ये दूसरा स्तर होता है, जो वैदिक संहिताएं हैं उन पर जो भाष्य हैं उसका दूसरा स्तर होता है आरण्यक। ध्यान रखिए, दूसरा स्तर होता है, इसमें दर्शन और ज्ञान, दर्शन भी होता है, ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। कर्मकांड के बारे में ये बिल्कुल मौन है, कर्मकांड के बारे में आरण्यक से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती, दर्शन और ज्ञान से संबंधित यहाँ जानकारी आपको मिलेगी। भाषा इनकी क्या है, वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत इनकी भाषा है। देखिए अध्येता, अध्येता ये शब्द आप आगे सुनेंगे जब हम वेदों की बात करेंगे, कि किस वेद के अध्येता को क्या कहा जाता है, किस वेद के अध्येता को उद्गाता कहा जाता है, किस वेद के अध्येता को होत्र कहा जाता है, किस वेद के अध्येता को उधर्व्यु कहा जाता है, किस वेद के अध्येता को ब्रह्म कहा जाता है, इन सब के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें यह अध्येता शब्द भी आना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। तो अध्येता वो होता है जो किसी को पढ़ने वाला होता है, जो उन वेदों को पढ़ने वाला होता है उस पाठक को अध्येता कहा जाता है। तो अध्ययन करने वाला जो पाठक है उसको क्या कहा जाएगा, अध्येता। आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म के चार मुख्य माने गए वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद हैं, इनसे जो शाखाएं निकली हैं, इनसे जो शाखाओं रूपी वेद हैं उनसे शाखाएं निकली, उनसे शाखाओं से जो वेद हैं उन ज्ञान को क्या कहा जाता है, उपवेद कहा जाता है। तो हमें क्लियर हो गया, उनकी जो शाखाएं हैं वो उपवेद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें क्लास को, क्लास का लिंक जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी SSSC के जितने भी एग्जाम से PET की परीक्षा है उन सभी के लिए ये आपके सिलेबस का पार्ट है, तो आप इसको जरूर देखें और ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो जरूर इसको अच्छे से समझते चलें, बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। वेद, देखिए वेद, चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वह बात करेंगे कि कौन से वेद की,
चारों वेद यहां पर हैं, ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद। ये चार वेद हैं, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम और अथर्वेद सबसे न्यूनतम नवीनतम। तो ये प्राचीन है, ये सर्वाधिक प्राचीन है, ये सबसे नवीन है, ये सबसे नवीन है, ये सबसे प्राचीन है। प्राचीन और नवीन, प्राचीन ऋग्वेद और नवीन अथर्वेद। आगे चलते हैं, ऋग्वेद। ऋग्वेद, अब वेदों में हम आ गए हैं, ऋग्वेद है, ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण समझ गए जो गद वाला भाग है, ब्राह्मण है, और अरण्यक है, ये भी गद वाला भाग है, और उपनिषद है, जो उपनिषद है वो, ये तीनों ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ये कौन कौन से हैं? कौशितकी और ऐतरेय, कौशितकी और ऐतरेय हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण भी और अरण्यक भी, उपनिषद भी कौशितकी और ऐतरेय किसके हैं? ऋग्वेद के। ध्यान दीजिए, इस वेद में 1028 मंत्र हैं और 10 हैं मंडल, 10वां मंडल इनका सबसे नवीन है। तो इस वेद में 1028 मंत्र हैं, पुरुष सूक्त जो मिलेगा जिसमें शूद्र शब्द का प्रयोग किया है वह 10वें मंडल में मिलता है। इस वेद के जो अध्येता, अध्येता जो अध्ययन करता है, पाठक है, उसको होत्र कहा जाता है, उसको होत्र कहा जाता है। वैसे 1017 सूक्त हैं इसमें, लेकिन 11 जो खिल्ल हैं, खिल्ल सूत्र हैं, उनको जोड़ने के बाद में 1028 होते हैं। ऋग्वेद का जो उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद है यानी कि वेद की जो शाखा है वह आयुर्वेद है, आयुर्वेद है इसकी शाखा, और आयुर्वेद के जो प्रवर्तक हैं वह कौन है? प्रजापति। तो ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण इतना, उसके बाद में हम वन लाइनर में आपको बताएंगे जो भी महत्वपूर्ण बचेगा। यहां पर इतना ब्रीफ में ही लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद के बारे में देख लेते हैं। यजुर्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण हैं वो कौन कौन से हैं? ब्राह्मण तैत्रीय और शतपथ ब्राह्मण हैं। ध्यान रखिए, ये शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके उपनिषद भी कौन से हैं? उपनिषद कौन से हैं? वह भी तैत्रीय। अब यहां पर उपनिषद कठी है, श्वेताश्वर है, ईश है, बृहदायक है और मैत्रायणी है। ये क्या है? इसके उपनिषद हैं। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 उपनिषद हैं। किसके? यजुर्वेद के। यजुर्वेद के अरण्यक हैं तैत्रीय और बृहदायक और शतपथ, तीन हैं। तीन क्या हैं? इसके अरण्यक हैं। और इस वेद के पाठक, जो अध्ययन करने वाला पाठक है, उद्धेता को उधरव्यू कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? उधरव्यू। मैंने कहा ना, होत्र, उधरव्यू, उद्गाता और ब्रह्म। तो इसी तरीके से जो होत्र है ऋग्वेद के पाठक को या अध्येता को, जो यजुर्वेद के पाठक अध्येता हैं उसको उधरव्यू, और जो सामवेद हैं उनके उद्गाता, और जो अथर्ववेद के हैं उनको ब्रह्म कहा जाता है। चलिए, यजुर्वेद के यज्ञ संबंधित इसमें विधि विधान का वर्णन है। दो भाग हैं इसके, एक कृष्ण और एक शुक्ल। शुक्ल में श्लोक मिलेंगे, कृष्ण में श्लोक के साथ साथ उसके संबंधित जो व्याख्या है उस व्याख्या भी मिलेगी। तो कृष्ण यजुर्वेद में श्लोक के साथ साथ उसकी व्याख्या भी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, सामवेद की तरफ। तो सामवेद, सामवेद से संबंधित जो ब्राह्मण है पंचवेद। अब सामवेद संगीत से संबंधित वेद है, संगीत के बारे में इससे जानकारी मिलती है। सामवेद से संबंधित जो ब्राह्मण है ये कौन से हैं? पंचविश। इनको तांडव ब्राह्मण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तांडव ब्राह्मण, जो जो इसका वेद का जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ है, वह कौन से हैं? तांडव ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण। सामवेद के छंद, जो उपनिषद हैं, उपनिषद कौन से हैं? एक केन है और एक छांदोदग्य उपनिषद है, जहाँ भगवान कृष्ण के बारे में छांदोदग्य उपनिषद से जानकारी मिलती है।
कंठोपनिषद से जो नचिकेता और यम के संवाद के बारे में जानकारी मिलती है, आगे भी पढ़ेंगे हम उनके बारे में समझेंगे। तो यहाँ छंदोग्योदग्य उपनिषद है जहाँ पे भगवान कृष्ण के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। इसके अरण्यक हैं जैमिनीय और छंदोग्य, ये इसके अरण्यक हैं, अरण्यक हैं जैमिनीय और छंदोग्य, और उपनिषद हैं केन और छंदोग्य। सामवेद के जो पढ़ने वाले हैं उसको क्या कहा जाता है, यानी कि अध्येता को कहा जाता है उद्गाता। और सामवेद का जो उपवेद है वह कौन सा, गंधर्व वेद, और इसके प्रवर्तक हैं नारद मुनि। जो प्रवर्तक हैं वह कौन है, नारद। सामवेद में 1810 मंत्र बताए जाते हैं जिनमें से 75 के अतिरिक्त जितने हैं वह सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं, सारे ऋग्वेद के हैं, 75 अतिरिक्त हैं। चलिए आगे देखते हैं, अथर्ववेद के जो ब्राह्मण है गौपत ब्राह्मण है अथर्ववेद के, ध्यान रखिए अथर्ववेद के ब्राह्मण है गौपत। अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं और अथर्ववेद के उपनिषद हैं मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक। देखिए मुंडक उपनिषद तो आपने सुना होगा, जिससे जो सत्यमेव जयते लाइन है अशोक के स्तंभ पर है, सत्यमेव जयते, ये कहां से है, ये मुंडको उपनिषद, यही मुंडक उपनिषद है। ये किसका है, अथर्ववेद का है, यहां से लिया गया। पढ़ने वाले को ब्रह्म कहा जाता है, अथर्ववेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, ब्रह्म। अथर्ववेद का जो उपवेद है वह शिल्प वेद, कौन सा है, शिल्प वेद। प्रवर्तक हैं इसके शिल्प वेद के विश्वकर्मा। ठीक है, यहां तक हमने चारों वेद देख लिए। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं, इस प्रकार के वन लाइनर हमने आगे लिए हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। देखिए दसवें मंडल में जो ऋग्वेद का दसवां मंडल है, दसवें मंडल में मृत्यु सूक्त के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान रखिए अगर प्रश्न बनता है मृत्यु सूक्त के बारे में कौन से मंडल में जानकारी मिलती है, पहले तीसरे पांचवें सातवें आठवें या दसवें, तो दसवां इसका उत्तर होगा। इसमें विधवा के लिए विलाप का वर्णन भी है, दसवें मंडल में मृत्यु सूक्त है, मृत्यु सूक्त में विधवा के विलाप का भी वर्णन है कि विधवा को विलाप करना चाहिए। ऋग्वेद के दसवें मंडल के, अब दसवां मंडल ही चल रहा है ऋग्वेद का, दसवें मंडल के जो 95वां सूक्त है, 95वां सूक्त है ऋग्वेद का दसवें मंडल का, वह उसमें पुरुरवा, एल और उर्वशी इनके मध्य संवाद है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में, एक नदी सूक्त है, नदी सूक्त में व्यास नदी को बिपाशा बोला जाता था और इस नदी को परिगणित नदी कहा गया है। क्या कहा गया है ऋग्वेद में के नदी सूक्त में व्यास नदी को यानी कि बिपाशा को क्या कहा गया है, परिगणित कहा गया है। ऋग्वेद की जो है मुख्यतः स्तुति मंत्रों का ये संकलन है, स्तुति की गई है इंद्र आदि देवताओं की, इंद्र सूर्य आदि देवताओं की, क्योंकि इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता था। अधिकतर इन वेदों में प्रकृति की पूजा का विधान दिया गया है, तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए सबसे ज्यादा मंत्र हैं। देखिए इस मंडल में विभक्त 1017 सूक्त हैं और इन 17 सूक्तों के अलावा 11 बाल खिल्य सूत्र हैं। इनको जोड़ने के बाद कुल सूक्तों की जो संख्या हो जाती है वह 1028 हो जाती है, किसमें, ऋग्वेद में। ठीक है, आगे देखते हैं। वैदिक काल में विवाह के प्रकार, अब वैदिक काल में जो विवाह थे उसके कितने प्रकार थे उनके बारे में यहां समझ लेंगे थोड़ा थोड़ा। देखिए वैदिक काल में जो विवाह थे, ऋग्वेद में विवाह का वर्णन विवाह सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद में विवाह सूक्त भी है, जैसे मृत्यु सूक्त है ऐसे विवाह सूक्त है, नदी सूक्त है, तो ऋग्वेद में ऐसे ही विवाह सूक्त भी मिलता। उस विवाह सूक्त के अनुसार विवाहों के जो प्रकार हैं 8 हैं, कितने हैं, 8। इनमें सबसे ब्रह्म, सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी, ये है ब्रह्म विवाह। इसमें क्या होता था, वैदिक अनुष्ठानों के साथ समान वर्ण में विवाह होता था, कन्या और जो पुरुष है दोनों ही ब्राह्मण वर्ण के हैं,
तो उनमें विवाह होता है, तो ये ब्रह्म विवाह कहा जाता है। वैदिक अनुष्ठानों के यज्ञ आदि के माध्यम से विवाह होता था, ये ब्रह्म विवाह कहलाता था। एक था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता था, वर पक्ष से क्या होता था, गऊ का जोड़ा लेकर कन्या का दान किया जाता था। जो वर पक्ष था वह कन्या पक्ष को क्या कहता था, गऊ का जोड़ा दान करता था, और उस दान के बदले में कन्या से विवाह किया जाता था। तो वो जो कन्या पक्ष के थे, गाय लेकर कन्या का दान करते थे, तो ये होता था आर्ष विवाह। एक था प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में क्या था कि दहेज के बिना किया गया जो विवाह था, इसमें दहेज नहीं लिया जाता था, दहेज नहीं लिया जाता था, ये था प्रजापत्य विवाह। देव विवाह। देव विवाह जो था, इसमें क्या होता था कि कन्या का पिता अपनी पुत्री को दान स्वरूप किसी पुरोहित अथवा पंडित को दान कर देता था, यह होता था देव विवाह। कोई पिता अपनी पुत्री को किसी पंडित या जो पुरोहित है उसको दान करता था, तो यह कहा जाता था देव विवाह, अपनी मर्जी से करता था। गंधर्व विवाह में वर और वधू कन्या के द्वारा स्वयं विवाह किया जाता था, यह प्रेम विवाह होता था, तो यह गंधर्व विवाह कहा जाता था। राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण करके उससे विवाह किया जाता था, वो राक्षस विवाह था। वहीं धन के बदले किया जाने वाला जो विवाह था वह असुर विवाह था। धन के बदले असुर विवाह, और अपहरण करके जो विवाह किया जाता था वह राक्षस विवाह। और एक था तीसरा पिशाच विवाह, इसमें एक लड़की जो अपने होश में नहीं है उससे बलपूर्वक विवाह किया जाता था, तो ये होता था पिशाच विवाह। देखिए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ जो विवाह होता था, यानी कि उच्च वर्ण का पुरुष है और निम्न वर्ण की नारी है, तो उनका जो विवाह होता था वह अनुलोम विवाह कहा जाता था। उसके विपरीत यदि पुरुष निम्न वर्ण का है और नारी उच्च वर्ण की है, तो उस विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता था, उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही था। ऋग्वेदिक काल में जो विवाह के देवता थे, उनको पूषण विवाह के देवता को क्या कहा जाता था, पूषण। और पशुओं के देवता को कहा जाता था रुद्र। किस काल में? ऋग्वेदिक काल में, ध्यान रखिए। और देवों की माता थी अदिति, और जगत के पिता थे घोष या धोष, उनको कहा जाता था, ये जगत के पिता थे, ध्यान रखिए। विवाह के देवता पूषण, पशुओं के देवता रुद्र, देवों की माता अदिति, और जगत के पिता घोष। उपनिषद भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। ये उपनिषद किस पर आधारित है? भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। उपनिषद काल के जो राजा हैं वे अश्वपति, केकई जो देश था, केकई देश के शासक थे। आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का जो संवाद है ये कंठोपनिषद में है। किस में है? कंठोपनिषद में दिया हुआ है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। आरंभिक जो वैदिक साहित्य है उसमें जो सर्वाधिक जो वर्णित नदी है कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। सामवेद ऋग्वेद पर आधारित, संगीत में ऋचाओं का संकलन है। ऋग्वेद पर आधारित है कौन सा? सामवेद। और ये संगीत पर में ऋचाओं का संकलन है, जो उसकी रचाएं हैं उनका संगीत में संकलन है। भागवत हो गया। चलिए अब वेदांगों के बारे में समझ लेते हैं। वेदांग, वेद के अंग, कुल 6 वेदांग हैं। कितने हैं? 6। एक है शिक्षा, शिक्षा से क्या होता है? उच्चारण विधि, एक कल्प है, कल्प कर्मकांड से संबंधित। छंद है, छंद की रचना शेषनाग ने की है, और छंद को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद को क्या कहा जाता है? पिंगल शास्त्र।
छंद के दो प्रकार हैं, लौकिक और अलौकिक। छंद के दो प्रकार हैं, लौकिक और अलौकिक। निरुक्त जो भाषा विज्ञान से संबंधित है, इसके रचयिता आचार्य याश्क हैं। कौन है? याश्क। देखिए दिख नहीं रहा होगा आपको, आचार्य याश्क। ठीक है, इसमें वेदों में आए हुए शब्दों की उत्पत्ति, जो वेदों में शब्द हैं उनकी उत्पत्ति एवं अर्थों की व्याख्या समाहित है किसमें? निरुक्त में। फिर है पांचवा अंग है वेदांग, जो पांचवा वेदांग है यह है ज्योतिष। यह गणित और ज्योतिष के तथा फलित ज्योतिष के, गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष दो भागों में ये विभाजित है। इसमें समय, तिथि, संवत आदि जानने की विधियों का वर्णन किया गया है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, बुध, मंगल आदि यहाँ के जो ग्रह हैं उनकी गतियों का विवरण गणित की सहायता से इसमें किया जाता है ज्योतिष में। और जो छठांग है वह है व्याकरण। छठांग कौन सा है? व्याकरण। तो वेद के छह अंग हो गए, शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। चलिए, पीपीटी कुछ गड़बड़ कर रही है, कल से भाग रही है आगे आगे, अब देखना पड़ेगा क्यों भाग रही है। दर्शन, वेद हो गए, वेदांग हो गए, दर्शन, दर्शन, दर्शन पे आते हैं। देखिए दर्शन, कितने दर्शन हैं? ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखिए, ये महत्वपूर्ण है। दर्शन कितने हैं? छह दर्शन है। कौन कौन से? न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन और वैशेषिक दर्शन और वेदांत दर्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे न्याय दर्शन की। तो न्याय दर्शन का आधार जो ग्रंथ है वह न्याय सूक्त है, न्याय सूत्र, न्याय सूत्र है। इसके प्रतिपादक अक्षपाद गौतम है। किसके? न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? अक्षपाद गौतम। और योग दर्शन का जो आधार ग्रंथ है वह योग सूत्र है। प्रतिपादक महर्षि पातंजलि, महर्षि पातंजलि जो पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित थे, ये वही महर्षि पातंजलि हैं। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन का आधार ग्रंथ है सांख्य सूत्र और इसके प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। इसके प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। ठीक है, मीमांसा दर्शन, अब आता है मीमांसा दर्शन। इसके प्रतिपादक जैमिनी है और इसका आधार ग्रंथ है पूर्व मीमांसा। मीमांसा दर्शन का आधार ग्रंथ क्या क्या है? पूर्व मीमांसा, मीमांसा सूत्र। और कर्म का सिद्धांत मीमांसा से ये संबंधित है। किसका? कर्म का मीमांसा सिद्धांत से ये क्या है? संबंधित। वैशेषिक दर्शन का आधार ग्रंथ क्या है? वैशेषिक सूत्र। इसके प्रतिपादक महर्षि कणाद और उलूक हैं। वहीं वेदांत दर्शन का जो आधार ग्रंथ है ये है ब्रह्म सूत्र। वेदांत दर्शन का आधार ग्रंथ क्या है? ब्रह्म सूत्र। इसके प्रतिपादक वादरायण हैं। कौन है? वादरायण। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है तो ले लीजिए फटाफट से, मैं हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, शुल्ब सूत्र ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तकें हैं ये, जो हैं परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न मिलते हैं, इनसे संबंधित ही प्रश्न मिलते हैं। ये वन लाइन अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको परीक्षा में बिल्कुल परेशानी नहीं पड़ेगी। शुल्ब सूत्र किससे हैं? ज्यामिति विषय से ये संबंधित हैं। अस्तो मा सद्गमे, अस्तो मा सद्गमे वाक्यांश कहाँ से है? बृहदारण्यक उपनिषद से। अब आपको बताना है ये उपनिषद किस वेद से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अभी बताया मैंने हाल फिलहाल में। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। ये चरक ऋषि कहाँ, किसके दरबार में थे? कुषाण, जो राजा कुषाण का कौन सा था? कनिष्क, कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, उसके दरबार में थे चरक ऋषि। चरक संहिता इनकी है, चिकित्सा से संबंधित है। बृहदारण्यक उपनिषद में याग वल्क्य है, गार्गी संवाद का भी उल्लेख है।
वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजू कहा जाता था। जो लंबे का समय तक अविवाहित रहती थी ऐसी कन्या को क्या कहा जाता था वैदिक काल में? अमाजू, अमाजू कहा जाता था उस कन्या को। वैदिक काल में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को द्विज श्रेणी में रखा जाता था। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इनको द्विज श्रेणी में रखा जाता था। वैदिक काल में गाय को अघन्या मतलब जिसका वध ना किया जा सके ऐसा वध ना करने योग्य माना जाता था उसको कहा जाता था गाय को अघन्या। ठीक है आगे देखें। धनी व्यक्ति को वैदिक काल में गौमत कहा जाता था। गौमत धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था वैदिक काल में? गौमत। वैदिक काल में युद्ध को गविष्ट गेसु गम्य गविष्ट गेसु और गम्य इन नामों से जाना जाता था। किसको? युद्ध को गविष्ट गेसु और गम्य गविष्ट गेसु गम्य इन नामों से जाना जाता था। वैदिक काल में पुत्री को दुहिता वे अनाज को धान्य कहा जाता था क्योंकि गाय का दूध दोहने का कार्य सिर्फ जो पुत्री थी उसी का होता था बाकी कोई गाय का जो दूध था वह नहीं दोहता था इसलिए जो पुत्री होती थी उसको दोहिता कहा जाता था। तो वैदिक काल में दोहिता किसको कहा जाता था? पुत्री को दोहिता कहा जाता था क्योंकि वही गाय का दूध दोह सकती थी बाकी पुरुष कोई गाय का दूध नहीं दोह सकता था। उस काल में सिर्फ पुत्री ही गाय का दूध दोहती थी मतलब दूध काढ़ती थी। ठीक है वैदिक काल में मरुस्थल को धन्व और उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। धन्व कहा जाता था मरुस्थल को और उर्वरा कहा जाता था जहां पर उपजाऊ भूमि होती थी उस उपजाऊ भूमि को और जहां पर पशु चरते थे ऐसी भूमि जहां पर पशु चरने योग्य भूमि को खिल्ले कहा जाता था एवं हल से बनी नालियों को सीता कहा जाता था। सीता जी जो थी वह कहाँ मिली थी? जब जनक जो महाराज जनक थे और उनकी रानी थी उन्होंने जब हल चलाया था तो हल में ही उनको क्या मिला था? वो बक्सा मिला था जिसमें सीता जी थी इसीलिए क्योंकि जो हल से बनी नाली थी उसको सीता कहा जाता है उसी के आधार पर उनका नाम शायद सीता रखा गया होगा। वैदिक काल में झेलम नदी को जो झेलम नदी है उसको विस्ता और व्यास नदी को विपाशा कहा जाता है। तो परिगणित नदी भी हमने बताया भी विपाशा नदी को जो ऋग्वेद में जो नदी सूक्त है वहां पर परिगणित नदी भी कहा गया है। ठीक है आगे चलते हैं। ब्रीही शब्द वैदिक काल में चावल के लिए जो ब्रीही शब्द है वैदिक काल में किसके लिए प्रयोग किया गया है? चावल के लिए प्रयुक्त किया गया है। आर्यों के जीवन का जो मुख्य स्रोत था वह था पशुपालन और कृषि जिसको आजकल हम पशुपालन और कृषि जब दोनों काम होते हैं उसको मिश्रित कृषि कहते हैं। मिश्रित कृषि का अर्थ यही है कि जहां पर कृषि के साथ साथ में पशुपालन भी किया जाए उसको क्या कहा जाता है? मिश्रित कृषि। ऋग्वेद में यह शब्द प्रयोग चौ के लिए किया जाता है यव देखिए यह नहीं है यहाँ पर यव है यव का प्रयोग यव बोलते हैं जौ को। ऋग्वेद में यव शब्द का प्रयोग जौ के लिए जो खाद्यान्न सबसे पहले उगाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमने देखा मेहरगढ़ सभ्यता में भी देखा कि सबसे पहले जौ को उगाया गया तो ये जो जौ है इसको क्या कहा जाता है ऋग्वेद में? यव कहा जाता है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली पिता के बाद उसका पुत्र राजा बनता है इस प्रकार की राजतंत्र प्रणाली वैदिक युग में सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी प्रचलित थी वंशवाद पर आधारित। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है तो बता चुके हैं जो आयुर्वेद है वह कहाँ मिलेगा? आयुर्वेद किसमें? आयुर्वेद जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम किसमें? ऋग्वेद अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है आगे देखते हैं। यहां तक
विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है, जो विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र हुए उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की है, जो गायत्री मंत्र है उस गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, विश्वामित्र ने। श्रीमद् भागवत गीता का जो मूल रूप है वह संस्कृत भाषा में है। सत्यमेव जयते शब्द कहां पर है, मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का है मुंडकोपनिषद। ऋग्वेद की जो मूल लिपि है ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि जो है वह किसकी है, ऋग्वेद की मूल लिपि है, अब तो देवनागरी लिपि चलती है। जीव को पार्जन हेतु वेद वेदांग को पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था, जो वेद और वेदांगों को पढ़ाता था अध्यापक, लेकिन उसके बदले में धन लेता था अपना जीव को पार्जन चलाने के लिए, उस पढ़ाने वाले टीचर को क्या कहा जाता था, उपाध्याय। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत है, जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसमें राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या होना चाहिए वह दिया गया है। पारसियों का ग्रंथ जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, जिंद अवेस्ता जो पारसियों का ग्रंथ है उसमें और ऋग्वेद में समानता मिलती है। जिंद अवेस्ता ईरान से संबंधित है, जिसमें अहुर मजदा का वर्णन मिलता है और यह असुरों का देवता बताया जाता है। अहुर मजदा असुरों का देवता बताया जाता है। आगे देखिए, वैदिक काल में सभा और समिति का राजा पर नियंत्रण होता था, इन दो का राजा के ऊपर नियंत्रण होता था। किसका, वैदिक काल में सभा और समिति का किसके ऊपर कंट्रोल होता था, राजा के ऊपर। ये सभा और समिति ये दो कंट्रोल करती थी राजा के ऊपर। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित कहा जाता है, जो बृहस्पति हैं उनको क्या कहा जाता है, वैदिक देवताओं के ये पुरोहित हैं। ऋग्वेद काल में निष्क शब्द, निष्क हार को भी बोला जाता है लेकिन स्वर्ण के लिए, स्वर्ण मुद्राओं के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पर निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, गले में पहने जाने वाला, लेकिन परवर्ती काल में इसका प्रयोग सिक्के के लिए किया जाने लगा, सिक्के के लिए प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन होता क्या था, सोने का हार जो होता था उसको निष्क कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण, अभी मैंने आपको बताया था शतपथ ब्राह्मण से ध्यान रखना, इसमें पुरुष मेध का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, पुरुष मेध। धर्मशास्त्रों के आधार पर भू राजस्व, जो भू राजस्व है उसकी दर क्या थी, 1/6 भाग थी, 1/6 भाग जो भूमि पर कर लिया जाता था वह वैदिक काल में लिया जाता था। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी गई है, आदि काव्य यदि कहा जाए तो वह क्या है, वह रामायण है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल, यानी कि जो कुल होता था, कुल या कुटुंब थी, ये आधारभूत इकाई थी वैदिक समाज की। राजा के सिंहासन रोहण के से संबंधित जो यज्ञ होता था उसे राजसूय यज्ञ कहा जाता था। जब राजा सिंहासन पर बैठता था तो उस समय जो यज्ञ होता था उसको राजसूय यज्ञ कहा जाता था। युधिष्ठिर ने भी कराया था जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का शीश काटा था, उस समय पर राजसूय यज्ञ ही कराया जा रहा था। राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किए जाने वाले यज्ञ को, अब अपनी राजनीतिक शक्ति कितनी है उसको बढ़ाने के लिए क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ भगवान राम ने भी जब सब जगह विजय प्राप्त कर ली तो उसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया, और जिसमें लव और कुश ने उनके घोड़े को पकड़ लिया था। इसी प्रकार से जो पुष्यमित्र सुंग हैं उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जिसके पुरोहित थे महर्षि पातंजलि, और उसमें एक उल्लेख मिलता है कि जो यवन थे उन्होंने उनके घोड़े को पकड़ा था, तब जो उनके पुत्र थे वहां से उसको छुड़ा कर लाए थे। तो आगे देखिए, शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजन के लिए जो यज्ञ किया जाता था, अपने शौर्य को दिखाने के लिए, प्रजा के मनोरंजन के लिए यज्ञ होता था, उसको कहा जाता था बाजपेय यज्ञ। कौन सा होता था, बाजपेय यज्ञ। देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला सोमरस का पान किए जाना वाला होता था अग्निहोत्र, यहाँ नीचे दिख नहीं रहा लेकिन इसको बोलते थे अग्निहोत्र बोलते थे, ये अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला ये और सोमरस का पान कराने वाला यज्ञ होता था, इसको अग्निहोत्र बोलते थे, अग्नि
होत्र, ठीक है, अग्निहोत्र बोला जाता था। नोट कर लीजिए, अभी काफी कुछ है, पढ़ते रहिए। वैदिक काल कोषाध्यक्ष, अच्छा वैदिक काल कोषाध्यक्ष, वैदिक काल में जो कोषाध्यक्ष को संग्रहित, जो कोषाध्यक्ष को संग्रहित व्य कर संग्रहकर्ता को भागदूत कहा जाता था। कोषाध्यक्ष कोष को अध्यक्ष, उसको संग्रह करना संग्रहित कहा जाता था। वहीं कर संग्रहकर्ता को क्या कहा जाता था, वो भाग लेता था ना कर संग्रह, किसी का हिस्सा यानी कि भाग, वह भागदूत कहा जाता था। मैत्रायणी संहिता में एक संहिता है मैत्रायणी संहिता, उसमें नारी को सुरा और पासा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। मैत्रायणी संहिता में नारी को सुरा और पासा के साथ, जो पासे खेलते थे उन पासे के साथ, तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। देखिए सर्वाधिक प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति, सबसे प्राचीन है। वैदिक धर्म की जो प्रकृति की पूजा है वह मुख्य है, वैदिक धर्म में प्रकृति की पूजा। मैंने कहा कि ये प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति की पूजा किया करते थे। ग्राम शब्द यहीं से निकला है, ये ग्राम यानी कि कृषि और पशुपालन पर आधारित थे, और प्रकृति की पूजा, इंद्र की पूजा, वरुण की पूजा, और जो पृथ्वी है पृथ्वी की पूजा, सूर्य की उपासना, अग्नि की उपासना, ये सब यही करते थे। आर्य भारत में सर्वप्रथम पंजाब में आकर बसे, सबसे पहले माना जाता है कि आर्य जो भारत में आए वे पंजाब में आकर बसे सबसे पहले। बोगज कोई अभिलेख को आते हैं, अब बोगाज कोई अभिलेख कहां पर, ईरान में। बोगाज कोई अभिलेख से, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना मिलती है, यहां पर ये लिखा हुआ है बोगाज कोई अभिलेख है। जो एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें चार वैदिक देवताओं, चार वैदिक देवता कौन से, इंद्र, वरुण, इंद्र के बारे में होगी बात, वरुण के बारे में है, मित्र के बारे में, और नाशत्य के बारे में वहां दिया गया है, उनका उल्लेख किया गया है। किसमें, एशिया माइनर के अंदर जो बोगाज कोई है, तो बोगाज कोई अभिलेख में ये सब जानकारी, इन चार देवताओं का उल्लेख इसमें किया गया है। माना जाता है कि आर्य ईरान से भी आए, तो ईरान में भी इनका वर्चस्व था। ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। मैंने बताया था कि देवताओं द्वारा इसकी रचना मानी जाती है, बाकी तो संकलन किया गया है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है ये कौन सा काल कहा जाता है, ब्राह्मण काल। वैसे 1500 से 1000 तक ऋग्वेदिक काल, और 1000 से 600 तक ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल, लेकिन इसमें भी उत्तर वैदिक काल के समय में 800 से 600 के बीच का जो काल है ये ब्राह्मण काल कहा जाता है, ब्राह्मण युग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म अभी नहीं, कल पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, अभी इतना ही। हाँ, एक अथर्वेद है, अथर्वेद और श्वेताश्वर, अथर्वेद और श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का, एक तो अथर्वेद में और एक श्वेताश्वर उपनिषद है। ध्यान रखिए, अथर्व तो वेद है और श्वेताश्वर क्या है, उपनिषद। इसमें शिव का नाम क्या है, महादेव का उल्लेख मिलता है। अथर्वेद और श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का नाम क्या मिलता है, महादेव। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक भी होते थे, उनको क्या कहा जाता है, श्रमण कहा जाता था। क्या कहा जाता था, श्रमण। उत्तर वैदिक काल में अंग, अंग की राजधानी जो चंपा थी, अंग और मगध, अंग और मगध को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था उत्तर वैदिक काल में। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल है उत्तर वैदिक काल, इसमें अंग और मगध को आर्य संस्कृति की धुरी कहा जाता था। मगध जो माना जाता है, जो महाभारत कालीन भी माना जाता है मगध, जिसका जो बृहदर्थ थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था, जो जरासंध के पिता कहे जाते हैं, ठीक है। गोत्र शब्द का, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, ऋग्वेदिक काल में मिलता है। गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद संहिता में दूसरे से, देखिए ध्यान रखिए, दूसरे से
सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन है। दो से सात मंडल सबसे प्राचीन है, इन्हें गोत्र मंडल कहा जाता है। दो से सात याद रखे, इन्हें गोत्र मंडल कहा जाता है, सबसे प्राचीन है ऋग्वेद में। ये दो से सात ऋग्वेदिक काल में जनता का विश्वास बलि और कर्मकांड में था। ऋग्वेदिक काल में जनता का विश्वास बलि में और कर्मकांड में था। और प्रसिद्ध दस राज युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। चलिए आगे क्या है, बस इतना ही है। फिर जैन धर्म कल पढ़ेंगे, वैसे पीपीटी ने काफी परेशान किया लेकिन फिर भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए। वैदिक सभ्यता हम पढ़ चुके हैं और आई होप आपको वैदिक सभ्यता से संबंधित जितनी भी जानकारी है वह जानकारी प्राप्त हो गई होगी। कम से कम 51 मिनट की हमारी ये क्लास रही है और इस क्लास में जो अब तक डटे हुए हैं निश्चित है वे सफलता में भी सबसे आगे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तक डटने का अर्थ है कि आप पूरे मन से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और अगर हमारी जो क्लासेस हैं आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लाइव क्लास लेकर हम उपस्थित होंगे 9 बजे से 10 बजे के बीच में, तो 9 से 10 के बीच में लाइव क्लास में जरूर आएँ, जिसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता है और उससे पूर्व के जो स्रोत आदि से संबंधित प्रश्न, ऐसे 20 प्रश्न हम लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आप जितने भी लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होंगे अच्छे से जवाब देंगे तो पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है और हमने जितना आपको बताया आप उसको कितने ढंग से पढ़ पा रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। तो ज़रूर उस जो प्रश्नोत्तरी है उस प्रश्नोत्तरी में भाग लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।